अब बात करते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, बेचैनीपन। एंग्जाइटी, बेचैन जब हम किसी भी चीज को लेकर के होते हैं, चिंता हमें होती है, देन आते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं डाउट को, और ये चीज जब हम इस मोड में आते हैं, इमीडिएटली हमारा जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है क्रिएटर से, वो हट जाता है। जिस पल हमें चिंता हुई, चिंता कहाँ से होती है? हमारे अंदर एक नेगेटिव विचार आता है, एक नेगेटिव विचार दूसरे नेगेटिव विचार को लेके आता है, दूसरा नेगेटिव विचार तीसरे नेगेटिव विचार को लेके आता है। ऐसे विचारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ हम हर चीज़ के ऊपर डाउट करते हैं, अपने ऊपर, अपनी पावर के ऊपर में, सिस्टम की पावर के ऊपर में, एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रस्ट है वो हिल जाता है या हट जाता है गॉड से। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, विदाउट गॉड यू कैन नॉट। जैसे मैंने आपको पहले भी, पहली क्रिया में भी बताया था, उसकी कृपा के बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। आजीवन हम इस भ्रम में रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सच्चाई ये है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग जब तक उसकी ब्लेसिंग्स ना हो। सो विदाउट गॉड यू कैन नॉट, उसकी ब्लेसिंग्स के बिना आप कर नहीं सकते, एंड विदाउट यू गॉड विल नॉट। और स्वयं तो वो उतर के आएंगे नहीं, तो उन्हें भी एग्जाम्पल चाहिए होते हैं अच्छे लोगों के, कि सफल बना जा सकता है। जी हाँ, बना जा सकता है। तो वो जो सदकर्म करने वाले लोग हैं उनको वो सफलता प्रदान करते हैं। अच्छा बना जा सकता है, जी हाँ, ऐसे अच्छे लोग होते हैं। सो विदाउट यू गॉड विल नॉट, आपके बिना वो ऑपरेट नहीं करते। आप सिर्फ उस रिसीविंग मोड में रहो जहाँ पर आप कंप्लेन नहीं करते, हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ में हैं, एंड बाकी जिस चीज़ें अब तक हमने सीखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सरेंडर योर सेल्फ। खुद को आप टोटली सरेंडर कर दो। जैसे मैंने आपको दिन की आज पहली क्रिया कराई थी, जब आप अपनी हर दुख, चिंता, परेशानी अपने सर्वशक्तिमान के चरणों में रख करके आप सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के बाद आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आपने अपना पहला कर्म ये किया, उसके बाद जो बाकी कर्म है वो आप करो। यही चीज़ गीता में बताई गई है कि आप कर्म के ऊपर फोकस करो, आप अपना कर्म करो। कर्म करने के लिए ही पृथ्वी लोक में आपका जन्म हुआ है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। परिणाम हमेशा दाता के हाथ में होते हैं, देने वाला हमेशा दाता है। आप अपना ईमानदारी से कर्म करो, उसके बाद अगर आप निरंतर कर्म करते रहोगे तो आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। किसी को थोड़ा सा जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। आप अपना कार्य ज़रूर करते रहिए। सो अपने आप को सरेंडर करके, अपनी ईगो को सरेंडर करके, अपने अहम को सरेंडर करके, जिस भी शक्ति को मानते हो उनके चरणों में समर्पित करके, अपने दुख, चिंता सब कुछ, और सिर्फ कर्म करने पे आप फोकस करो, ऑटोमेटिकली अचीवमेंट्स की शुरुआत वहाँ से होती है। जितना ये सिंपल शब्द है सरेंडर, उतना ही ये गहरा शब्द है। आपने टोटल अपने आप को सरेंडर कर देना है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहले अनकंडीशनल लव। कितने लोगों के घर में डॉग है? हैं कुछ लोग? ओके, गुड। जब थोड़े दिन बाद घर जाते हैं, दो दिन बाद, पांच दिन बाद, कैसे स्वागत करता है? कैसे जी? आता है, कूदता है, झपटता है, बार बार पूछ हिलाता रहता है, भौंक करके नाराज़गी भी व्यक्त करता है, चाहता है आप उसे प्यार करें, गले से लगाएं। वो ये नहीं कहता, तीन दिन कह के गए थे, पांच दिन में क्यों आया, कहाँ था, क्या कर रहा था? अनकंडीशनल लव। दूसरी चीज, आपने कभी उसको चिंता में देखा है? सुबह उठा, आपने जो टाइम पर है भोजन आपने उसको दे दिया, ठीक है, उसके बाद आप दिन में देखो कितने चैन की नींद सोता है, उसे टेंशन नहीं है। वो ये नहीं सोचता अभी तो खाना दे दिया, शाम का देगा या नहीं देगा, या बता क्या बनाएगा शाम को, दोबारा सूखी रोटी तो नहीं देगा, वो ये नहीं पूछता आपसे, क्योंकि उसने अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया है। और जब वो उसने आपको सरेंडर कर दिया ना, तो जिन घरों में पेट्स होते हैं, जो डॉग होते हैं, वो भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं। और अगर कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खाना नहीं खाया, तो उन घर में ये चर्चा रहती है, आज जो भी घर में आता ना, आज इसने खाना नहीं खाया, आज इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी आता, अरे क्या हुआ, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा, अरे अरे वाह ले ले ले,
इस तरीके का हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है आपके ऊपर, तो उसकी कोई भी तकलीफ वो उसकी नहीं है, आपकी है। अगर वो एक टाइम भी खाना ना खाए तो आपको बुरा लगता है, अगर थोड़ी भी तबीयत खराब होती है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो। सर्दी का जैसे मौसम है तो जो आप उसको कुछ ना कुछ कवर करके भी रखते हो, उसके उसका बिस्तर में भी मुलायमदार हो, कोई दिक्कत ना हो, यानी आप पूर्ण ख्याल रखते हो, क्योंकि उसने क्या किया, अपने को सरेंडर कर दिया, वो आपकी जिम्मेदारी बन गया, तो इसलिए आप पूरा ख्याल उसका रखते ही रखते हो। सोचो अगर आप भी ऐसे ही जिस भी शक्ति को मानते हो उसके सामने आप सरेंडर कर देते हो, नतमस्तक, मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मेरी अगर मेरी इच्छा होती मैं सांस नहीं ले सकता। कितने लोग आप देखो कोरोना काल में गुजर गए, आपके शायद जानने वाले होंगे, मेरे परिवार से भी गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब उसमें से कई ऐसे लोग भी थे जो कहीं बाहर भी नहीं निकले, जिन्होंने पूरे एहतियात बरते, फिर भी हैपेंड। सोचो अगर आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो उस गॉड के सामने, उस क्रिएटर के सामने, बोलो जी ये रखो, मैं सिर्फ कर्म करूंगा, आपको जो देना हो देना जी, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन से आप एक अद्भुत मजे में रहना शुरू हो जाओगे, अद्भुत आनंद में रहना शुरू हो जाओगे, और कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इस लायक होते तो तुम अब तक कर ही चुके होते, तुम इतने धक्के क्यों खाते हो तो जीवन में, ट्रू और नॉट? सो सरेंडर योरसेल्फ, आपने टोटल अपने आप को सरेंडर करना है, एंड फिर आप अपने कर्म करो, और जब आप उसके ऊपर छोड़ दोगे तब आप उसकी जिम्मेदारी बन जाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको टेक केयर करेगा। बिलीव इन हिमसेल्फ, यानी उसके ऊपर विश्वास रखिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, बिल्कुल मानिए। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि विच गॉड इज मोस्ट पावरफुल, तो क्या जवाब आएंगे? इसका उत्तर डिपेंड करता है मैं किससे पूछ रहा हूं। हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलो अल्लाह, आपके लिए वो है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अगर मैं पंडित जी से पूछूं तो वो कहें बजरंगबली। हो सकता है अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति से पूछूं जिसका नाम जॉन है तो वो कहे जीसस क्राइस्ट। हो सकता है अगर मैं सरदार जी से पूछूं तो वो कहे वाहेगुरु। नाउ यहां पर कितने लोग अपने वाहन से आए हैं, अपने निजी वाहन से कितने लोग आए हैं? बढ़िया, गुड। कुछ बस से कितने लोग आए हैं? बढ़िया। ट्रेन से कितने लोग आए हैं? ट्रेन नहीं चल रही, नहीं चल रही, ओके चलो। मतलब अगर ये नॉर्मल पीरियड होता, कोरोना काल नहीं होता, तो ट्रेन से भी कुछ ना कुछ लोग आते, सही है, ओके। क्योंकि इसकी चर्चा विश्वास जी ने किसी से बाहर करी नहीं। जनरली जब हम वर्कशॉप करते हैं तो बाहर भी बताते हैं, तो लोग आपने देखा आउट ऑफ स्टेशन से भी, यानी दूर दराज से आते हैं, एरोप्लेन से भी आते हैं। तुम बिहार से आए हो, तुम ट्रेन से नहीं आए? ट्रेन से, रेल से? तो मैंने ट्रेन ही तो बोली। आगे से लौपत गामी नहीं बोलूंगा। तो आप देखिए, अगर ये नॉर्मल पीरियड होता और जो 2-3 दिन की वर्कशॉप करते हैं, अक्सर इसकी खबर बाकी जगह पहुंच जाती है, तो बहुत से लोग फ्लाइट लेकर के भी आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है, निजी वाहन से आना, ट्रेन से आना, बस से आना, फ्लाइट से आना, ट्रेन से आना? क्या जवाब देंगे? हाँ जी, डिपेंड करता है आप कहां पर हैं। अगर आप छोटी डिस्टेंस से आ रहे हैं, आप किसी को अपना वाहन सूट करेगा, सर हाथ खोल के बैठेगा, आप अपने वाहन से आ सकते हैं अगर आपको सूट करे। आप जैसे जो लोग जहां से एक सीधा बस करके, राजकुमार जी बस करके लाए हो आज भी, अब जैसे ये इतने अच्छे अप्लाइन हैं अपनी, क्योंकि इनके लोग एक क्षेत्र से हैं, एक जगह से हैं, तो ये बस कर देते हैं, तो सिंपल आपको सिर्फ उसमें बैठना है और जाना है, तो आपके लिए वो ज़्यादा सुविधाजनक है। अब जैसे मैंने आरके सिंह साहब से पूछा, ये बिहार से आए हैं तो इनके लिए बस सुविधाजनक नहीं है, इनके लिए ट्रेन सुविधाजनक थी।
अगर कोई व्यक्ति मुंबई से कहीं से आ रहा हो तो उसके लिए फ्लाइट सुविधाजनक होगी। तो मुद्दा क्या है, यहां पहुंचना वो इंपॉर्टेंट है। कैसे आते हैं वो आपके ऊपर है, जैसे भी आपको सुविधा हो। ऐसे ही मुद्दा है उस तक पहुंचना। इबादत आप ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, इंसान एक होता है, लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आपके माता पिता आपको किसी प्रेम भरे नए नाम से पुकारते होंगे, है ना? आपके जो दोस्त लोग हैं वो भी कुछ प्रेम भरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो शायद यहां आप लेना ना चाहोगे। ऑफिशियली एक नाम हमें जो दिया जाता है, हमें ऑफिशियल सर्कल में उस नाम से पुकारा जाता है। फिर हमारा जो पार्टनर या पार्टनर होती है वो भी हमें कुछ डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, इंसान एक ही। उसके बाद जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, जब आपकी फैमिली शुरू होती है, बच्चे होते हैं, वो आपको डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। कहीं पर आप अगर इस जैसे वैसी बिजनेस में आप हो, कल को आप बहुत सफल बनेंगे तो बहुत से लोग आपको गुरुजी बोलना शुरू कर देंगे। तो इंसान एक ही है, उस एक इंसान को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। शक्ति एक ही है, आप उसे खुदा बोलो, आप उसे भगवान बोलो, आप उसे गॉड बोलो। जैसे सूरज को अंग्रेजी में सन कहते हैं, हम सूरज कहते हैं, रवि कहा जाता है, अलग अलग भाषा में उसका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पानी एक ही है, हमारे यहाँ पानी बोलते हैं, अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, तमिल में तन्नी बोलते हैं, मणिपुरी में तुई बोलते हैं, कर्नाटका में नीड बोलते हैं, बंगाल में जौल बोलते हैं। बात एक ही है, उसका काम एक ही है, प्यास बुझाना। सेम वे शक्ति एक ही है, आप उसको किसी भी नाम से जान सकते हैं, किसी भी तरीके से उसकी इबादत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस तक पहुंचना, उससे कनेक्ट होना। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि शुरू से ही हमें सिखाया गया है अलग अलग रहना, बटना। हमें अलग अलग हर उस पे जहां भी संभव हो सके बांटा गया है, क्योंकि बांटने वाले लोगों का बहुत फायदा होता। तो इस चीज को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। जब जब आप हर उसमें, हर रिलीजन में, आप देखिए, अगर आप कभी अमृतसर जाने का मौका मिले तो गोल्डन टेंपल जाइएगा। आप वहां जाएंगे तो वहां सेवादार होते हैं, आप अपने जूते उतार के उनको देंगे, वो अपने हाथ से उठाएंगे, हाथ से साफ करेंगे। कोई पैसा तो दूर की बात है। आप वहां जाएंगे, लंगर चल रहा होगा, बहुत बेहतरीन लंगर, आप वहां जाएं, खाना खा सकते हैं। किसी भी गुरुद्वारे में आप जीवन में कठिन समय में हो, दो दिन तीन दिन रह सकते हैं, और जरूरी नहीं है उसके लिए आप सिख मजहब को फॉलो करते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उसमें सिखाया गया है सेवा करना। रमजान के समय में भी आपको सिखाया जाता है ज़कात करना, अन्य लोगों की सेवा करना, राइट? नर सेवा, नारायण सेवा, ये भी बात हर मजहब में अलग अलग तरीके से कही गई है। तो रियल उससे कनेक्शन कब है? जब आप हर व्यक्ति में आप उसका स्वरूप देखने लगे, वहां वो रियल कनेक्टिविटी है, वो आप रियल, आप इतने स्पिरिचुअलिस्टिक हो गए, फिर आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक आपका जुड़ाव हर समय उससे रहेगा। तो यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये कभी मत आप अपने अंदर लाने देना कि मेरा मजहब तुम्हारे मजहब से बेहतर है। वहां वो सबसे बड़ी परेशानी खड़ा कर देती है। आपको जो रास्ता सूट करता हो आप वहां पहुंचो। मुद्दा है वहां पहुंचना। जैसे मुद्दा है यहां आना, ना मेरा वाहन आपकी बस से बेहतर नहीं हो सकता, और ना मेरी बस आपकी ट्रेन से बेहतर हो सकती है। इस चीज को आपने समझना है यहां पर। ओके, सो बिलीव इन हिमसेल्फ, उस पर सरेंडर करिए, विश्वास करिए। एंड जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप इन चीजों से, बहुत छोटी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं दुनिया के बहुत विभिन्न जगहों में घूमने गया हूं। मैं अबू धाबी की मस्जिद में भी गया हूं, मैं लंदन के, यूरोप के बहुत सारे चर्च में भी गया हूं, अजमेर शरीफ की दरगाह पे भी गया हूं, और न जाने कितने मंदिर भी गया हूं और गुरुद्वारे भी गया हूं। जहां वो इन जगह तो है ही है, सबसे पहले तो वो आपके अंदर है। आप उसको अगर समझने लग जाओ तो अलग ही आप डिफरेंट फील करना शुरू करते हो। सो बिलीव इन हिमसेल्फ, उसके ऊपर विश्वास आपको रखना है। एंड देन फिर आता है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। आपने कभी भी अपने ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ना, और ये तभी संभव है जब आप अपने को उससे कनेक्ट करके रखोगे, तब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
जब मैं 2008 में वेस्टीज में आया था उस समय 600 रुपए का सामान लेने से ज्वाइनिंग होती थी, तो बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये देखो 600 रुपए कंपनी में गए हैं, ये पैसे कमाएंगे। साल दो साल के बाद में, थोड़े टाइम बाद में उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तब तक स्थिति परिस्थिति कुछ और हो गई थी और आज वो सारे लोग मेरे डाउनलाइन हैं, खुद भी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर हमेशा उसके ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। लुक एंड फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड बी थैंकफुल। हमेशा जीवन में देखिए आपके पास क्या है और हमेशा कृतज्ञ रहिए। जैसे आजकल शीतलहर का, ठंड का समय चल रहा है, ऐसे ही यही मौसम था। एक व्यक्ति इतना गरीब था, इतने मुश्किल हालात से जीवन से गुजर रहा था, उसके पैर में जूते नहीं थे, तो इतनी ठंड में वो खड़ा था, उसके पैर ऐसे हो गए थे जैसे कट गए हों सर्दी की वजह से, सुन्न पड़ गए थे, धुंध हो रही थी बहुत ज़्यादा, ठंड पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, और वो भगवान को कोस रहा था कि कैसा मेरा जीवन, कैसा मुझे जीवन दिया है, मेरे पास जूते तक नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, और बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। तभी उसने देखा धुंध में एक कोई सीटी की आवाज़ आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है सीटी बजाता हुआ, और सीटी बजाते बजाते भगवान की शान में वो एक भजन गा रहा था कि हे प्रभु शुक्रिया, हे मेरे दाता शुक्रिया, इस तरीके से सीटी बजा रहा था। कोरा था, उसे दिख नहीं रहा था कौन है। थोड़ा और नज़दीक आया तो उसने देखा एक लंगड़ा आदमी था, उसकी एक टांग तो थी नहीं, दूसरी टांग भी लगभग ना के बराबर सी थी, वो बैसाखियों से चल रहा था और प्रभु का गुणगान गाया जा रहा था। जैसे ही उसने उसको देखा, उसे एहसास हुआ, उसको ये तुरंत एहसास हुआ कि मेरे पास तो आज जूते नहीं हैं पैर में, कल आ जाएंगे, इस बेचारे के पास तो पैर नहीं है, जब ये इतना खुश हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इमीडिएटली उसका माइंडसेट चेंज हो गया। आपके पास जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन बावजूद उसके आपके पास भी बहुत कुछ है। एक और बहुत कमाल की चीज, आप जीवन में कितने मर्जी बड़े क्यों ना हो जाएं, हजारों लोग आपसे ऊपर रहेंगे। और जीवन में आप कितने भी नीचे क्यों ना गिर जाएं, आपसे नीचे भी बहुत ज्यादा लोग फिर भी रहेंगे। सो देखिए, लुक एंड फोकस व्हाट यू हैव एंड बी थैंकफुल। आप देखिए आपके पास जीवन में क्या है और उसके लिए कृतज्ञ फील करिए। हो सकता है यहां इस समय बैठे हुए किसी की जेब में पैसे ना हो, लेकिन अगर आपके हाथ, शरीर स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, पैसे आज नहीं हैं तो कल आ जाएंगे। लेकिन अगर सोचो आपका कोई ऐसा डैमेज हो जाए, आप विकलांग हो जाएं, तो वो चीज़ नहीं आ सकती है। तो जनरली क्या होता है हमारी लाइफ में, हमारे पास जब तक जो चीज़ होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, जब वो चली जाती है उसके बाद हमें उसकी कदर होती है। सो हमेशा देखिए कि आप खराब से खराब स्थिति में भी क्यों ना हो, फिर भी कुछ चीज़ ऐसी होगी जिसके लिए आप चाहें तो उसका शुक्रगुजार हो सकते हैं, या आप उसके लिए कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। मनी ना होना कोई बड़ी, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग इस जीवन से गुजरे हैं। 2008 में जब मैंने वेस्टी ज्वाइन करी थी, मेरी जेब में आखिरी 700 रुपये थे जिससे मैंने वेस्टी ज्वाइन करी थी, और मैंने ढूंढा था कि 600 रुपये से मिनिमम ज्वाइनिंग हो सकती है, तो कौन से मैं प्रोडक्ट लूँ जिसमें 600 रुपये के आसपास ही बिल बने। उस समय इतने प्रोडक्ट नहीं थे, नोनी और स्पिरुलिना उठाई थी, उन दोनों का मिला के 625 रुपये का बिल बना था, 605 रुपये का, सॉरी 605 रुपये का, उस समय की प्राइसिंग के हिसाब से। सो आप कितनी भी डाउन स्थिति में क्यों ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा है। घड़ी, एक बंद घड़ी जो चल नहीं रही, वो भी 24 घंटे में से दो दफ़ा सही समय बता देती है, तो आपके अंदर तो बहुत कुछ अभी है, तो उससे परेशान नहीं होना। सो लुक एंड फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड बी थैंकफुल, एंड डोंट बी अंडर यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट। अंडर यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट मत बनिए। अब ये मेरा फोन है, इसमें इंटरनेट है, 128 GB की मेमोरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके फोन में भी है। अब अगर सपोज मैं इससे, अब मैं इसे नेट बैंकिंग भी करता हूँ, मेल भी एक्सेस करता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेने देने का भी कार्य होता है, कोई कहीं पे जाना हो तो टिकट भी इससे करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे। अब सपोज़ अगर मैं इससे ये सारे काम ना करूँ और सिर्फ इसको कॉल सुनने के लिए, उसके लिए ऑपरेट करूँ, तो मेरे पास, मैं इसका पूरा उपयोग नहीं कर रहा होते हुए भी। इसे कहते हैं अंडर यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट।
तो ऐसे ही आपके पास भी सब कुछ है, आप अपने को पूरा यूज नहीं करते हैं। एंड जिस वजह से जो सफलता है वो आपसे दूर रहती है। सो कभी भी अंडर यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट मत बनिए, अपने आप को पूर्णतः इस्तेमाल कीजिए। डू जस्टिस टू योर पोटेंशियल, जो आपकी काबिलियत है उसको बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करिए। चाहे वो जैसे आज आप इस वर्कशॉप में आए तो ये आपने एक कदम लिया अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपने को बेहतर बनाने के लिए, एक्सीलेंट। उसके बाद यहाँ से जो सीखेंगे उसे निरंतर फॉलो करिए। सो डू जस्टिस टू योर पोटेंशियल, सो अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जस्टिस करिए। हॉर्स, घोड़ा, गोट, बकरी, काऊ, गाय, बफेलो, भैंस, दे ऑल लिव विद ह्यूमन एंड फीड देम। ये सब जानवर हमारे साथ रहते हैं और ये हमारे साथ तो रहते ही हैं, ये हमारा पेट पालते हैं। कितने लोग भैंस पालते हैं, उसका दूध बेचते हैं, ये सुनो, उससे उनका जीवन चलता है। गाय पालते हैं, गाय दूध देती है, राइट? गाय में तो क्वालिटी इतनी है, उसके तो मूत्र तक से इतने फायदे होते हैं। घोड़ा है, आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, मसूरी चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, वहाँ घोड़े वाले, वहाँ बच्चे घोड़े की सवारी करते हैं, तो जो घोड़े वाला होता है वो दिन भर में अगर थोड़ा भी ईमानदारी से काम करे ना तो 1,000-2,000 रुपये घर लेके जाता है डेली। तो 50,000-60,000 रुपये वो बेचारा अनपढ़ घोड़े वाला कमा लेता है। तो आप देखो, ये जो जानवर है ये कभी स्कूल गए नहीं, जा नहीं सकते, इनका कोई मेंटर नहीं, इन्होंने कभी आपकी तरह वर्कशॉप अटेंड नहीं करी, इन्हें कभी किसी कोई शिक्षक नहीं मिले, उसके बावजूद भी ये अपना छोड़ो ये 4 इंसान का पेट पालने में सक्षम है। ये सर नो गुड। आप सोचो, आप इंसान, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना, और आप अपने आप को असहाय महसूस करते हो सफल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए या कामयाब बनने के लिए आप असहाय महसूस। जब ये एक अनपढ़ जानवर जो स्कूल नहीं जा सकता, इसका कोई मेंटर नहीं हो सकता, कभी किताब नहीं पढ़ सकता, कभी किसी वर्कशॉप में नहीं जा सकता, संगत में नहीं, अच्छी संगत में नहीं बैठ सकता, ये इतना सक्षम है कि ये 4 लोगों का, एक परिवार का पेट पाल देता है। आप सोचो आपकी अंदर कितनी कैपेसिटी है या होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारी सोच। सो डोंट सेटल फॉर ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ के लिए सेटल मत होइए। ऑर्डिनरी लाइफ क्या होती है, बड़े हुए कमाना शुरू किया, अपने परिवार के लिए कमाया, वो बहुत ऑर्डिनरी लाइफ है। अगर आप सिर्फ अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं तो आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, बल्कि जानवर चार परिवार, एक परिवार का पेट पाल देता है। आपने सिर्फ अगर अपने इमीडिएट परिवार का पेट पाला तो आप जानवर रूपी जीवन जी रहे हैं। सो डोंट सेटल फॉर ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ के लिए आप नहीं बने हैं। अगर उसके लिए बने होते तो आपकी भी 4 टांगे होती, आप भी दूध दे रहे होते, तुम्हारे रोज थन धोए जाते, तुम वो नहीं हो ना, क्योंकि तुम ऑर्डिनरी लाइफ के लिए बने नहीं हो। तो डोंट सेटल फॉर ऑर्डिनरी लाइफ, इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिच। ये आपको समझना है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपनी खोपड़ी में घुसेड़ना आज। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनना। क्यों? क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, अगर आप अच्छा पैसा कमाओगे उसके बाद आप उस पैसे का क्या करोगे, उससे आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करोगे, 10 लोगों को रोजगार दोगे, भारत सरकार को टैक्स दोगे जिससे देश में सड़क बनती है, आर्मी को तनख्वाह मिलती है, देश की सुरक्षा होती है। सो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है संपन्न बनना, अमीर बनना, सक्सेसफुल बनना, तो ऑटोमेटिकली आप इतने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे पाओगे। और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है जब आप और लोगों की जीवन को बेहतर बनाने में योगदान आपने देना शुरू कर दिया। सो ये इट इज माय, आपको ये समझना है। इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिच। ऑल गुड पीपल, जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूं इस दुनिया में वो सब संपन्न बने, वो सब कामयाब बने। क्योंकि अच्छे लोगों के पास जब पैसे आते हैं, शुरू में क्या होता है, वो बेचारे अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। ठीक है जी, किराए के घर से अपने घर में आ गए, एक घर से 2 घर ले लिए, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी ले ली, एक गाड़ी ले ली, 2 गाड़ी ले ली, 3 गाड़ी ले ली, कितनी गाड़ी लोगे? थोड़े टाइम बाद सारे शौक पूरे हो जाएंगे, पैसा अभी भी आपके पास है, फिर आप क्या करोगे, उसको किसी न किसी अच्छे कार्य में लगाओगे, किसी धर्मशाला में दोगे, किसी
नीडी की हेल्प करोगे, और कुछ नहीं तो देश के लिए टैक्सी दोगे कम से कम, वो तो चाहे ना चाहे देना ही पड़ेगा आपको। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे। तो हर अच्छे व्यक्ति की ये सोच होनी चाहिए, मनी कैन डू लिटिल थिंग्स फॉर मी, मनी मेरे लिए क्या कर सकता है, मेरे लिए छोटी चीज़ें कर सकता है। छोटी चीज़ें क्या हैं? मैंने घर ले लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे लिए बड़ी बात होगी, दुनिया की अगर मैं एवज में देखूंगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, एक घर ले लूंगा, दो ले लूंगा, तीन ले लूंगा, चार ले लूंगा, फिर पेट भर जाएगा। गाड़ी एक ले ली, दो ले ली, मर्सिडीज ले ली, ऑडी ले ली, वॉल्वो ले ली, जैगुआर ले ली, अब क्या लूँ? ले तो ली सब, अब सब बड़ा छोटा है, मेरा ठीक है आप छोड़। तो ये पैसा मेरे लिए पहले छोटा काम करेगा, लेकिन उसके बाद इट कैन डू ग्रेट थिंग्स थ्रू मी, मेरे जरिए ये बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। फिर ऑटोमेटिकली यू हैव लॉट ऑफ मनी, देन फिर जैसे मैंने कहा, आप इसको इसके थ्रू बहुत सारे ऑटोमेटिकली अच्छे काम कर पाओगे। हर साल का 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर मैं भारत सरकार को टैक्स देता हूँ, मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ के ऊपर। मैं जरूर नहीं कि मुझे देश की सेवा करनी हो तो मुझे यूनिफॉर्म पहन के आर्मी भर्ती होना पड़ेगा, उनको फंडिंग कौन देगा? उनको फंडिंग हमारे जैसे सक्सेसफुल लोग देते हैं। आपको भी उसी श्रेणी में आना है। अब तक हमारा कल्चर ही गलत रहा है, इस देश के 70-80% लोग तो टैक्स ही नहीं देते। अब आप सोचो, अगर सारे लोग संपन्न हो, आप छोटे राज्य से समझ लो, गुजरात ज्यादा संपन्न है या छत्तीसगढ़ ज्यादा संपन्न है? क्यों? क्योंकि वहां के लोग संपन्न हैं, वो संपन्न है तो राज्य संपन्न है, राज्य संपन्न है तो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले उनके गांव गांव में बिजली थी। आज भी अगर आप वहां चले जाओ, सूरत चले जाओ, राजकोट चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, रात को 2 बजे भी कोई भी लेडीज पूरे गहने पहन के कहीं पे भी जा सकती है, पूरी तरह सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो एक संपन्न जगह है। संपन्नता से पहले मेटीरियलिस्टिक संपन्न हुए, दिमाग से संपन्न हुए, सुविधाओं से संपन्न हुए, हर तरीके से संपन्न है। और जैसे मैंने बात करी, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, बिहार की, अब क्या यहां संपन्नता तो ही नहीं है, गरीबी है। गरीबी है तो दूसरी जगह मजदूरी करने जाना पड़ता है। तो आप देखो, हर एक अच्छे इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए संपन्न बनने की। अगर सब लोग संपन्न होने लगे तो पहले बात, संपन्न लोग जो व्यक्ति जहां भी रहेंगे, मान लो एक कॉलोनी है उसमें 20 लोग संपन्न हो गए तो वो कॉलोनी के अपने आप वारे न्यारे हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, जिस शहर के लोग संपन्न होंगे वो शहर अपने आप अच्छा हो जाएगा, जिस राज्य के लोग संपन्न होंगे वो राज्य अच्छा हो जाएगा, जिस देश के लोग संपन्न होंगे वो देश संपन्न हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। और क्या है, यही स्वर्ग है। सो मनी कैन डू लिटिल थिंग्स फॉर मी बट इट कैन डू ग्रेट थिंग्स थ्रू मी, लेकिन मेरे जरिए वो ग्रेट थिंग्स कर सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अच्छे लोग क्या कहते हैं, मुझे तो ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस उतना चाहिए जी जितने में अपना काम हो जाए, ज्यादा पैसा कमा के क्या करना है। इस तरीके की सोच अगर हर कोई इस तरीके से सोचता तो कभी संपन्नता आती नहीं। अगर टाटा ने टाटा की तरह सोचा तो ना जाने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, बिरला ने बिरला की तरह सोचा तो लाखों लोगों को रोजगार दिया, बाली साहब ने भी अगर वो सोचते मेरे को क्या करना है, अच्छी खासी नौकरी करते थे, क्यों मैं सरदर्दी में पढ़ूं। तो जब जब आप अपने से ऊपर उठ के सोचोगे तो आप कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो, आपने ये सोचना है। अगर आप घर में, बहुत से लोग मैं देखता हूं शुरू में 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए आते हैं, 2 लाख रुपये मिलने लगते हैं, उसके बाद घर में पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं और बस और कुछ नहीं करते, एंड दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। जब आप सफल हो गए तो आपका जीवन आपका नहीं, आपका धर्म है कंट्रीब्यूट करना और लोगों की लाइफ में, और आगे बढ़ो और कामयाब हो ताकि और लोगों को आप इंस्पायर कर सको। सो गुड पीपल, हमारे यहाँ दिक्कत यही है, वो कहते हैं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। और बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि बहुत पैसे के चक्कर में मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। ये बकवास है। आप बहुत रिच भी हो सकते हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आपको होना चाहिए।
दोनों जगह संपन्न होना चाहिए आपको। और बुरे लोग क्या कहते हैं, मुझे तो बहुत पैसा चाहिए, उल्टे काम करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत खर्चा होता है। ऑल गुड पीपल हैविंग मनी अर्थ विल बिकम हेवन। अगर सब अच्छे लोगों के पास पैसा हो तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। हर महीने आपको सोचो 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आते हो, कितना खाओगे, कितने कपड़े बनाओगे, थोड़े टाइम बाद सारे शौक पूरे हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? पहली बात तो उसमें से 20-25 लाख रुपए सरकार ले लेगी तो अच्छी बात है, बढ़िया है। और उसके बाद भी पैसे आए जा रहे हैं, पैसे आए जा रहे हैं, पैसे आए जा रहे हैं, तो क्या करोगे? कुछ अच्छा ही काम करोगे यार। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, ऑल गुड पीपल हैविंग मनी अर्थ विल बिकम हेवन। और यहाँ पर एक चीज़ आप और समझना, कोई भी स्पिरिचुअली हाई जो जगह है वो गरीब नहीं है, वो सुपर रिच है। वहां दरिद्रता का वास नहीं है। जहां नारायण है वहां दरिद्रता कैसे हो सकती है? जहां प्रभु है वहां किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? इस सिंपल सी चीज को आपने समझना है। चलो इसको हम अलग अलग मजहब के हिसाब से समझते हैं। सरदार जी, आपके उसमें सबसे बड़ी इबादत की जगह गोल्डन टेम्पल है जी? सर, गोल्डन टेम्पल का नाम ही गोल्डन टेम्पल क्यों है? क्योंकि इतने स्वर्ण उसके अंदर है। गोल्डन टेम्पल सर अमीर है गरीब है पापा जी? नहीं, सब जाते हैं, वो तो मैं मानता हूं आपकी बात, मतलब वो पैसे की कमी तो नहीं है वहां किसी भी चीज की, सब है ना, संपन्नता है ना। जहां 1 लाख से ज्यादा लोग हर रोज खाना खाते हों तो आप सोचो वहां कितनी संपन्नता होगी, कितनी संपन्नता है। अब आ जाते हैं आपके मजहब के हिसाब से सबकी सबसे पाक जगह कौन सी है? काबा। काबा अमीर है या गरीब है? काबा में किस चीज की कमी है, संपन्नता या दरिद्रता है? संपन्नता है। सेम वे अगर मैं रिचेस्ट टेंपल की बात करूं, आंध्रा में तिरुपति, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां विजिट करते हैं और वहां डेली करोड़ों रुपया चढ़ता है, डेली। अंदर बैंक के बैंक खुले हुए हैं, अंदर इतने रुपए जोड़ दो, संपन्नता। जहां नारायण है वहां संपन्नता ही, वहां दरिद्रता हो ही नहीं सकती। जहां सर्वशक्तिमान के पास संपन्नता नहीं होगी तो किसके पास होगी? तो आपसे किस बेवकूफ ने कहा कि स्पिरिचुअली हाई होने के लिए आपको दरिद्र रहना पड़ेगा? ये बकवास है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अंडरस्टैंड? सो जहां कोई भी स्पिरिचुअली अलाइंड जगह दरिद्र नहीं हो सकती, दे ऑल आर सुपर रिच। नेवर हैव एंटी रिच पीपल फीलिंग। कभी भी जैसे बहुत से लोगों को देखता हूं, उनको रिच लोगों से ना जेलसी होती है बहुत लोगों की, उसके जैसे तो बन नहीं सकते, उसको सबसे बढ़िया, उसको गाली देना शुरू कर दो। और एक चीज ध्यान रखना, आप जिसको गाली देते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो ये गंदे लोग हैं, इसके जैसा कभी नहीं बनना। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है मालिक, अब मालिक पिछवाड़ा घिसवा के मीटिंगें कर रहा है लेकिन मालिक अमीर नहीं बन रहा, क्योंकि मालिक की ना यहाँ प्रॉब्लम है। सो कभी भी किसी संपन्न व्यक्ति से आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। और ये गलती मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको शुरू से यही सिखाया जाता है कि अमीर बने हैं ना, तुम्हारा खून चूस के बने हैं। हाँ, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ या कहीं पर जाओ, वहाँ सारे बिजनेस मारवाड़ियों के पास में है। अब वो उन अपने बच्चों को कैसे कहता है, ये इन्होंने तुम्हारे बाप दादा को लूट लूट के अमीर बने। अरे तुम्हारे बाप दादा को शराबे पीने से फुर्सत नहीं थी, उन्होंने अपना घर छोड़ कर के आए, मेहनत करी, इसलिए वो अमीर बने हैं भाई। सिंपल सी बात है। सो किसी भी संपन्न व्यक्ति को आपने कभी भी जेलसी से नहीं देखना, जलन से नहीं देखना। जैसे ही आप अपने मन में किसी के प्रति भी जलन लेकर आते हो, अगेन आप उस आपका कनेक्शन उससे कट जाता है। किसी भी आप संपन्न व्यक्ति को देखो, उससे आप इंस्पायर हो कि यार बहुत अच्छी बात है, अगर ये कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। सो ये फीलिंग्स आपने अपने अंदर रखनी है, क्योंकि जिस भी चीज को आप क्रिटिसाइज करोगे वो कभी नहीं बन सकते आप, जिस भी चीज की आप निंदा करोगे आप वो कभी नहीं बन सकते। आप सोचो अगर एक व्यक्ति आपको देखते ही गाली देना शुरू कर दे, आपको जब देखे आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना पसंद करोगे?
उसे बात करना पसंद करोगे, उसके साथ बैठना चाहोगे, नहीं बैठना चाहोगे ना। तो ऐसे ही जब आप दिन रात कामयाब लोगों की निंदा करते हो जिनके पास बहुत पैसा है उनकी आप निंदा करते हो, आप पैसे को क्रिटिसाइज़ करते हो, पैसा आने से दिमाग खराब हो जाता है, पैसा आते ही आदमी बदल जाता है, पैसा आते ही आदमी ये हो जाता है। हर तबके में हर तरीके के लोग होते हैं, आप किसको देख रहे हो। मुकेश अंबानी ने अपने भाई साहब को हजारों करोड़ रुपए दिए, उनको बेल आउट किया, उनको कर्ज से निकाला, ये भी तो उदाहरण है। और वहीं पर वेव्स के मालिक जो थे वो, उनके पास भी करोड़ों की अरबों की संपत्ति थी, वो एक फार्म हाउस के ऊपर एक दूसरे गोली मार के दोनों मर गए। तो डिपेंड करता है हम कौन से एग्जाम्पल से क्या सीख रहे हैं। सारे गरीब लोग खराब नहीं होते, ऐसे ही सारे अमीर लोग खराब नहीं होते। तो इस चीज को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो कभी भी किसी भी संपन्न व्यक्ति से हमें जलन या ईर्ष्या नहीं रखनी, हमें उनसे इंस्पायर होना है कि इन्होंने इतना अचीव किया, बहुत अच्छी बात है जी, मैं भी करूँगा, बस ये फीलिंग रखनी है। सो नेवर हैव एंटी रिच पीपल फीलिंग। व्हाई? यू कैन नेवर बिकम व्हाट यू एंटी और अपोज। आप कभी वो नहीं बन सकते जिसको आप अपोज करते हैं, और जितना आप जिसको अपोज करते हो ना, आप उतनी उसको ऊर्जा दे रहे हो। स्पिरिचुअली प्लेस हमेशा एबंडेंट रहेगी, यानी संपन्नता वहां ऑटोमेटिकली रहेगी, वहां मैग्नेटाइज्ड एबंडेंस, तभी वहां नारायण है। एबंडेंस अलोन कैन बी नारायण। एबंडेंस यानी हर चीज की बहुतायत। सो बहुतायत जहां प्रभु है वहां किसी की कमी हो ही नहीं सकती। तो एबंडेंस अलोन कैन बी नारायण, इसलिए मैंने यहां पर यह लिखा है। सन ऑफ अ किंग कैन नॉट बी ए बेगर। एक राजा का बेटा कभी भिखारी नहीं हो सकता। हाँ, 14 साल का वनवास लिखा हो सकता है, वो संभव है। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो कठिन समय आता है, वो वैसे ही वो वनवास का ही समय है। वो काटने के बाद सो मेनी अच्छी चीज़ें आपका इंतजार कर रही है, और आपका वो आधा वनवास कट गया है, तभी आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल भी गया है। आपको इस चीज को समझना है। सन ऑफ अ किंग कैन नॉट बी ए बेगर। जब मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूं जो सर्व संपन्न सब कुछ है, तो मैं गरीब कैसे हो सकता हूं। हाँ, मेरा कुछ टेस्टिंग टाइम है, ये टेस्टिंग टाइम जब मैं निकाल लूंगा तो इतनी सारी बेहतरीन चीज मेरे लिए मेरा इंतजार कर रही है। ये फीलिंग रखनी है। आई एम द बेस्ट अमंग द बेस्ट। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं श्रेष्ठों में। ये विचार, इफ गॉड इज विद मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। अगर ऊपर वाला मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। अगर है तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। मुझे उससे अलाइंड रह करके, अपने सर झुकाकर, उसको श्रेय देकर अपने सदकर्म करने, और मैं करूंगा, दैट्स ऑल। सो इफ आप उससे जुड़ गए हैं, वो आपके साथ है, तो फिर कौन आपके साथ है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है। डजंट मैटर। और किसी की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए कि जब सर्वशक्तिमान के साथ आप जुड़े हुए हो, हर चीज़ आपने उसको उनको सरेंडर कर दी, हर चीज़ उनके चरणों में दे दी, उनका नाम लेकर के आप हर काम करो, तो ऑटोमेटिकली आप सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस यही चीज़ आपने समझनी है कि मैं, वो मेरे साथ है, बस एवरीथिंग, सब बढ़िया होगा। जैसे जीवन में हम एक क्लास पढ़ाई पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, तब हम अगली कक्षा में जाते हैं, हमारी प्रमोशन होती है। फिर हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, फिर हमारी प्रमोशन होती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में चैलेंजिंग टाइम आते हैं जो हमें प्रमोशन देने के लिए आते हैं। अगर ये चैलेंजिंग टाइम नहीं आएंगे, परीक्षा नहीं दोगे, तो प्रमोशन कैसे होगी। सो जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहिए, उसका नाम लेके सरेंडर करके सिर्फ अपने सदकर्म पे रहिए, एंड उससे कनेक्ट रहिए हमेशा, हर स्वरूप और स्वरूप में।